नारद जी ने कहा ध्रुव सदगुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। सदगुरु के संबंध बिना सदगुरु बन सच्चा गुरु तो गुरु को कैसी होना चाहिए जैसे ये माता सुनीति की बात है गुरु को भी ऐसी होना चाहिए। कहा गुरु ऐसा नहीं जो सांसारिक भोगों को प्राप्त करने का साधन बता दे, वो गुरु नहीं चाहिए। अरे संसार का भोग तो पशु पक्षी भी प्राप्त कर ही रहे, भय इच्छा मिथुन निद्रा इत्यादि ये सब ये तो पशु पक्षी भी प्राप्त कर ही रहे हैं। भोजन करते हैं शयन करते हैं फिर अगले दिन निश्चित समय पर जा करके अपने भोजन के प्रबंध में लग जाते हैं और निश्चित समय पर संतान उत्पत्ति करते हैं, मतलब ये सब कर रहे हैं। लेकिन पशु पक्षियों की दशा मनुष्य से कुछ ठीक है, उनका सब निश्चित चलता है। मनुष्यों का तो जब दो मन में आया वो ही खा लिया, भगवान का प्रसाद पाना छोड़ करके न जाने क्या क्या खा रहे हैं। आप लोग सब समझते हैं, बहुत विस्तार से कहने की जरूरत है। नियम विरुद्ध आचरण कर, इसलिए गुरु की जरूरत है। गुरु के संबंध के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। जहां गड़बड़ी करे शिष्य तो गुरु सावधान करे शिक्षा देवे। लेकिन गुरु ऐसा नहीं कि संसार की चीजों को सांसारिक भोगों प्राप्त करने का साधन बतावे, ये चाहिए तो ऐसा करो, ये चाहिए तो ऐसा करो, ये चाहिए तो ये करो। नारद क्षमा कीजिएगा, नारद जी ने कहा ध्रुव ऐसे गुरु से कोई लाभ नहीं होगा और भगवान को छोड़कर अन्य किसी देवी देवता का भजन पूजन भी कोई बताता है ऐसे गुरु से भी कोई लाभ नहीं होगा। इसको समझिए शिव जी के वचनों में, शिव जी का और सती का संवाद चल रहा था। शिव जी ने कहा भगवान नारायण को भजने पूजने से ही सदगति प्राप्त होगी और वो सच्चे गुरु के संबंध से हो सकता है। भगवान के विषय में, भगवान के मोक्ष पद के विषय में ज्ञान सदगुरु से ही प्राप्त हो सकता है और किसी तरह से हो सकता है। संसार में अनुरक्त भगवान को छोड़ अन्य देवी देवताओं में अनुरक्त अन्य देवी देवताओं का भक्त गुरु भगवान को नहीं प्राप्त करा सकता। तो सती ने पूछा गुरु कैसा होना चाहिए। शिव जी ने कहा कि भगवान नारायण के मंत्र को, भगवान वासुदेव के मंत्र को ही ग्रहण करना चाहिए वैष्णव गुरु से ही। कहा वैष्णव गुरु कैसा। तो शिव जी ने कहा आचार्य वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सर। ये शिव जी का वचन पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 226 में है। आचार्य वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सर। वेद संपन्न होगा तो विष्णु भक्त होगा। क्यों? वेद में एकमात्र भगवान को ही सर्वस्व बताया गया है और सब कुछ भगवान को ही कहा गया है। यह वेद का सारा तात्पर्य भगवान में ही है, इसलिए वेद ज्ञान से संपन्न होना चाहिए। वेद के ज्ञान से संपन्न होगा तो विष्णु भक्त होगा ही। कहा आचार्य वेद संपन्न विष्णु भक्त विमत्सर। गुरु विष्णु भक्त है, भगवान को प्राप्त कराना उस गुरु का कर्तव्य है। शिष्य को भगवान की प्राप्ति करा दे ये गुरु का कर्तव्य। और वो गुरु यदि संसार को प्राप्त करने का, संसार की चीजों को प्राप्त करने का मार्ग बताता है यही उसका मात्सर्य है, यही उसका मात्सर्य। इस मत्सर दोष से रहित होना चाहिए, ये गुरु का लक्षण बताया, ये गुरु का लक्षण बताया। शिव जी ने, सती ने पूछा कि भगवान नारायण के मंत्र को ही यदि अवैष्णव गुरु से, आपके भक्त मतलब शिव भक्त गुरु से, गणपति भक्त गुरु से, पंचदेव उपासक गुरु से
प्रण करो भगवान नारायण के मंत्र को। शिव जी ने कहा उससे कोई लाभ ही नहीं होगा। और एक सामान्य शंका का समाधान भी शिव पार्वती संवाद में है। सती ने पूछा, गुरु तो एक बार बनाया जाता है, और गुरु बना लिया हो तो शिव जी ने उत्तर दिया, पुनश्च विधिना सम्यक् वैष्णवाद्राह्यते गुरु। पुनः सम्यक विधि से वैष्णव गुरु से भगवान नारायण के मंत्र को ग्रहण करना चाहिए। कहा वो जो गुरु दोबारा बना लेने में दोष लगता है वो। कहा जब तक वैष्णव गुरु गुरु नहीं बनाया तब तक सारा गुरु बनाने का कोई किसी को भी गुरु बनाया कोई मतलब का नहीं। शिव जी का वचन है पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 26 स्वयं पढ़ सकते हैं। और वर्तमान में तो भगवान कृपा से विश्व की तमाम भाषाओं में भारत के सारे ग्रंथ, हमारे ऋषियों के सारे तंत्र तमाम भाषाओं में उपलब्ध हो रहे हैं। और सामान्यतया हिंदी और अंग्रेजी में तो उपलब्ध है ही, पढ़ सकते हैं। क्योंकि बताने से विश्वास न हो बहुत संभव है, तो विष्णु भक्त ही होना चाहिए और उसी से मंत्र को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भक्त के अलावा किसी अन्य को गुरु बना लिया है तो वैष्णव गुरु को गुरु बना करके उससे मंत्र ग्रहण करने कोई हानि नहीं है। इसलिए नहीं कह रहे कि हम वैष्णव हैं, इसलिए नहीं कह रहे। कई लोग कहा करते हैं वैष्णव लोग शिव जी की निंदा करते हैं, बिल्कुल नहीं। सच्चे अर्थों में तो शिव जी की बात वैष्णव ही मान रहे हैं। शिव जी कह रहे हैं सती को कि भगवान नारायण को भजो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो। और कल तो महात्म्य में वर्णन आया तो वहां क्या कहा गया, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपीनथ नारायण कला शांता भजंती सूयवा। जो मुमुक्षु है मोक्ष चाहता है वो घोर रूप वाले भूतपति इत्यादियों को छोड़ करके, भैरव शिव इत्यादियों को छोड़ करके, शांत रूप वाले सौम्य स्वरूप वाले भगवान नारायण और उनके रूप का भजन पूजन अर्चन वंदन इत्यादि करता है। और यहां नारद जी समझा रहे हैं धर्मार्थ का मोक्षाख्यम या इच्छे श्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए एकमात्र कारण है श्री हरि की चरण सेवा। ये नारद जी का वचन शिव जी का वचन सुन चुके। और स्वामी तुलसीदास जी का वचन क्या है, इन सब की बातों का संग्रह करके कहा गोस्वामी जी ने, शिव अज शुक सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक लिहा भजी राम पद पंकज नेहा। भजी राम पद पंकज, प्रेम से भगवान श्री रामचंद्र सरकार का ही भजन करो, उन्हीं के चरण शरण हो। किसका मत है, शिव अज शुक सनकादिक नारद। शिव जी अज मुनि सनकादिक मुनि कुमार जिनके द्वारा श्रीमद भागवत का सप्ताह विधि बताई गई और श्रीमद भागवत का प्रवचन जो कर रहे सनकादिक मुनि कुमार नारद जी जिनसे सुन रहे हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य भी जिनसे सुन रहे हैं, सारे तीर्थ क्षेत्र सारी पुण्य नदियां चारों वेद छह शास्त्र सत्रह पुराण सब जिनसे श्रीमद भागवत की कथा को सुन रहे हैं वो ये कहते हैं कि एकमात्र श्रीहरि की चरण सेवा ही करना चाहिए, भगवान राम को ही बजना चाहिए। इसलिए ये सदगुरु का कार्य यही है। और आज आरंभ में आपसे निवेदन किया कि श्रीमद भागवत में कही गई बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें भगवान की भक्ति भगवान की शरणागति के विषय में सारा प्रमाण दे दिया गया है। और इन महात्माओं का ही कथन है, इन्हीं का आदेश है कि अन्य शास्त्रों का दृष्टांत देकर के
समझाना चाहिए, पद्म पुराण की बात है। तो नारद जी वही समझा रहे हैं, गुरु का आश्रय ग्रहण करना, गुरु से भगवान के मंत्र को ग्रहण करना।